नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एथिक्स के रणनीति पर चर्चा करेंगे। और बहुत से विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो उनके जो भी औपचारिक अनौपचारिक और यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से जो उनकी क्वेरीज हमारे सामने आ रही थी, वो क्वेरी यह थी कि एथिक्स के तैयारी की रणनीति पर भी चर्चा किया जाए। और इस विषय पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं। मैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ दिमाग में रखते हुए और क्या रास्ता अपनाया जा सकता है आपकी एथिक्स की तैयारी की मंजिल को प्राप्त करने के लिए, या एथिक्स की तैयारी की मंजिल को अच्छे तरीके से वहां तक पहुंचने के लिए, उन रास्तों और रास्तों के बीच में जो पड़ाव होंगे उन पर मैं आपसे बात करूंगा। संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन पांचों आयोगों के सिविल सेवा की परीक्षा में नीतिशास्त्र के प्रश्न पत्र को जोड़ दिया गया है। और इसमें सबसे नया जो जोड़ने का कार्य हुआ है सिलेबस में, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हुआ है। तो बहुत से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के मन में भी रास्तों को लेकर, रणनीति को लेकर, दिशाओं को लेकर सवाल हैं। और ये कोशिश मेरी होगी कि उन सभी सवालों का आपको जवाब मिले। दरअसल कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट 3-4 महीने पहले, आईएएस में एथिक्स के प्रश्न पत्र के हो जाने के बाद मेरे एक विद्यार्थी ने फोन किया और उन्होंने कहा कि सर पेपर अच्छा हुआ है और उस पेपर में एडवर्ड स्नोडन की जो केस स्टडी है, वह स्नोडन की केस स्टडी हूबहू जो आपने नोटबुक दी थी, जो आपने नोट्स दिया था, उस नोट्स से पूछा गया। अगर आप एथिक्स के मेरे जो प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं उन प्रिंटेड नोट्स में देखेंगे तो पेज नंबर 202 पर और 201 पर प्रिज्म और एडवर्ड स्नोडन की एक केस स्टडी दी गई है। और उस केस स्टडी को 2018 के आईएएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में अंतिम सवाल के रूप में पूछा गया। मुद्दा यहाँ पर यह है कि हम किसी केस स्टडी को या किसी प्रश्न को किस नजरिए से पहचानते हैं। दरअसल मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्या हम उसी तथ्यात्मक या क्या हम उसी सूचना प्रधान या सूचनात्मक नजरिए से इस प्रश्न पत्र को भी हल करने की, इस प्रश्न पत्र की भी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हाँ, तो हमारी जो रणनीति है, हमारी जो सोच है, हमारी जो दिशा है, वह दिशा ठीक नहीं है। दरअसल एथिक्स के इस प्रश्न पत्र में आपको, हम लोग या आपको 4-5 बातों की जरूरत होती है। और उन 4-5 बातों को अगर हम लोग क्रमशः समझ लें तो हमारी तैयारी का जो दिशा, तैयारी की जो दिशा होगी, तैयारी का जो रास्ता होगा, वह रास्ता काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात ये कि एक विद्यार्थी को कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसे कुछ चीजों की पहचानने की योग्यता या क्षमता जरूर होनी चाहिए कि उसे पूरे प्रश्न पत्र के, पाठ्यक्रम के किस खंड पर सबसे अधिक ध्यान देना है। तो एक तो है कि एक आपके पास आइडेंटिफाइड कुछ इश्यूज हों, टॉपिक्स हों और कुछ कॉन्सेप्ट्स हों जहां पर आप सबसे ज्यादा काम करें। दूसरी बात यहां पर यह है कि एथिक्स की प्रिपरेशन में आइडेंटिफाई करने के अलावा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वह अंडरस्टैंडिंग कुछ चीजों पर जरूरी तौर पर होनी चाहिए। आपकी जो समझ है, वह समझ कुछ विषयों पर, कुछ सिद्धांतों पर, कुछ विचारकों या दार्शनिकों पर और यहां तक कि कुछ मूलभूत मुद्दों पर होनी चाहिए। तीसरी बात यहां पर यह है
कि एथिक्स के प्रश्न पत्र की जो तैयारी है उसमें एक विद्यार्थी में कुछ क्षमताओं का, कुछ योग्यताओं का विकास होना चाहिए, कुछ उसे डेवलप करना पड़ेगा। अगर उसके भीतर उस तरह की चीजें नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा, या अगर है तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसे प्रश्न के आवश्यकता के अनुरूप उत्तर में ढालें, कैसे अपनी क्षमता को इस तरह से विकसित करें कि अपनी क्षमता जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के अनुरूप हो। और चौथी बात यहां पर ये कि आपको कुछ चीजों से या कुछ बातों से अवॉइड भी करना पड़ेगा, कुछ चीजों से आप बच पा रहे हैं, आप में कोई गलतियां अगर हैं तो क्या आप उन गलतियों को पकड़ पा रहे हैं कि उन गलतियों से आप बचें। दरअसल एथिक्स के प्रिपरेशन के ये जो चार वास्तव में मुख्य जो पहलू हैं, उन मुख्य पहलुओं के भीतर भी कई बातें हैं। सबसे पहली बात यहां पर ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, इस सिलेबस की, इस पेपर की कुंजी क्या है। और वो कुंजी अगर आप पकड़ पा रहे हैं, अगर आप की पकड़ पा रहे हैं सिलेबस का, अगर आप पेपर की जो कुंजी अवधारणाएं हैं उन कुंजी अवधारणाओं को पकड़ पा रहे हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सिलेबस की कीज क्या है, सिलेबस की कीज कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पकड़ना है। दूसरी बात यह है कि क्या आपको ये आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हैं कि इस सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि पूरे सिलेबस में सारे जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की तुलना में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी हो, चाहे वो भविष्य में 65वीं बीपीएससी के एग्जाम में जो बातें चेंज की कही जा रही हैं उनके संदर्भ में भविष्य की कोई बीपीएससी की प्रिपरेशन हो, या फिर एमपीपीएससी, या फिर उत्तराखंड, या फिर आरएएस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज जरूरी तौर पर पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से, और वो आगे भी पूछे जाएंगे। तो एथिक्स के पाठ्यक्रम की तैयारी के संदर्भ में एक विद्यार्थी को जो सिलेबस के की कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। एक पूरे सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, क्या उसकी पहचान विद्यार्थी को है। तीसरी बात यह है कि जो पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं क्या उनकी पहचान विद्यार्थी को है। अगर हाँ तो तैयारी आसान हो जाएगी और प्रश्न पत्र पर पकड़ भी बनेगी और आप अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। जैसे मैं थोड़ा अगर एक क्वांटिटेटिव नजरिए से कहूं, अगर मैं एक मात्रात्मक नजरिए से कहूं, तो क्या आपको 24 से 25 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, या साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट हैं, क्या आप उन पर 25 शब्द से लेकर 50 शब्द तक उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपका जवाब है हाँ हम उत्तर लिख सकते हैं, तो आपकी तैयारी की दिशा ठीक है। क्या आपको ये पता है कि पूरे पाठ्यक्रम का तीसरा जो टॉपिक है जिसका नाम है सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, क्या वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्या उसके भीतर दिए गए 7 मूल्यों पर सारे तरह के प्रश्न करने की क्षमता आप रखते हैं। अगर हाँ तो आपकी तैयारी की दिशा ठीक है, अगर हाँ तो आप इसका मतलब कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और क्या आपको ये पता है कि पिछले 5-6 वर्षों से आईएएस के एग्जाम में घूम फिर कर 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
और 8 कुल मिलाकर एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर इन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपको ये चीजें पता हैं तो आपकी तैयारी की दिशा, आपकी समझ, सिलेबस की पकड़ सब कुछ ठीक है। अदरवाइज आप इस पेपर को किताबों से या कुछ अप्रासंगिक हो चुकी कक्षाओं के नजरिए से इस सिलेबस को समझने की, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इसमें कोई कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों के पेपर यूपीएससी और दूसरे लोक सेवा आयोग की जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स के अनुरूप आप अपनी तैयारी को ढाल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहां पर एक सवाल ये उठता है कि हमें किन चीजों को समझने की जरूरत है, हमें किन चीजों में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। दरअसल हमें 2-3 चीजों में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सबसे पहली बात ये कि हमारे भीतर एक एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये जो एप्लीकेशन बेस्ड जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग कुछ थ्योरीज पर होनी चाहिए। क्या हमारे पास नैतिक सिद्धांतों पर एक अनुप्रयोगात्मक समझ है? अगर है तो मैं किसी सिद्धांत का एप्लीकेशन करते हुए न केवल प्रश्नों का बल्कि केस स्टडीज का भी उत्तर आसानी से दे सकूंगा। क्या मुझे कुछ फिलोसफर्स की जो आचरण से जुड़ी हुई बातें हैं, जो सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, जो उनके सबक हैं, क्या उन लेसंस की समझ है मुझे? भले मेरे पास जानकारी ना हो लेकिन क्या मैं किसी स्टेटमेंट को देखने के बाद, मसलन मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के स्टेटमेंट को देखने के बाद कि वेयर एवर द प्योरिटी राइटियसनेस ऑफ द हार्ट वेयर इज देयर इज द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर, जहां पर हृदय की शुद्धता होती है, हृदय में उचित होने का भाव होता है, वहां पर चरित्र की खूबसूरती होती है। अगर मैं इस पर 50 शब्द 100 शब्द लिख सकता हूं तो इसका मतलब है कि मेरी समझ ऐसी है जिसमें मैं वर्चूज पर लिखने की क्षमता रखता हूं। इसका मतलब कि मेरी तैयारी की जो दिशा है वह दिशा ठीक है। और इसके अलावा क्या मुझे कुछ कानूनों की समझ है? क्या मुझे कानून क्या कहते हैं और कहीं कहीं कानून और समाज क्यों टकरा जाते हैं? क्या मैं इन चीजों पर एक समझ विकसित कर पा रहा हूं? अगर हां तो इसका मतलब कि मेरी तैयारी की दिशा सही है। दूसरी बात यह है कि क्या मैं कॉन्सेप्ट से केस तक, क्या मैं थ्योरी से एग्जाम्पल तक, क्या मैं प्रिंसिपल से प्रैक्टिकल तक जाने की एबिलिटी डेवलप कर पा रहा हूं? अगर हां तो मेरी तैयारी की दिशा ठीक है, अगर नहीं तो उसको विकसित करने की जरूरत है। दरअसल इस पेपर में केवल कॉन्सेप्ट को जानना और उसका एप्लीकेशन करने की एबिलिटी नहीं रखना, इसका मतलब कि मुझे कॉन्सेप्ट पता है लेकिन मैं केस की तरफ नहीं जा पा रहा हूं। यहां पर यह जो चीज है यह चीज वास्तव में कारगर नहीं होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट टू केस एंड केस टू कॉन्सेप्ट, ये दोनों एबिलिटी होनी चाहिए ताकि मैं थ्योरी से केस स्टडी या एग्जाम्पल दे सकूं और एग्जाम्पल या केस स्टडीज को देखते ही मैं थ्योराइज कर सकूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसके साथ ही क्या मेरे पास डिसीजन मेकिंग की एक एबिलिटी है? अगर मेरे पास डिसीजन मेकिंग की ऐसी एबिलिटी है जो इथिकल है या जो इफिशियंट है तो इस पेपर की आवश्यकता को मैं पूरा कर रहा हूं। यहां पर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मेरे पास इस तरह, या मैंने कभी अपने आप को इस तरह से इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, मैंने अपने भीतर कभी झांका नहीं। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि जिस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें आपकी कुछ एबिलिटीज को चेक किया जा रहा है और वो एबिलिटीज आपके प्रशासनिक अधिकारी होने के संदर्भ में निर्णय लेने से जुड़ी हुई है। तो अगर आपके पास वो क्षमता है तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का जवाब अच्छे से दे सकेंगे। और इसके साथ ही क्या आप कुछ गलतियों से बच पा रहे हैं?
क्या आप देख पा रहे हैं कि इस पेपर में जानने के बजाय आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं, इस बात का आकलन होगा। अगर ऐसा है कि आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इस बात को आप लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी की दिशा ठीक है। कुल मिलाकर अगर इसे सार संक्षेप में कहा जाए तो एथिक्स के प्रिपरेशन में एक विद्यार्थी को सबसे पहली जो क्षमता अर्जित करनी है वह यह है कि वह पाठ्यक्रम की कुंजी को पहचाने। पाठ्यक्रम की कुंजी कुछ कॉन्सेप्ट्स पर है, जैसे अच्छाई क्या है, सच्चाई किसको कहते हैं, ईमानदारी क्या है, कर्तव्य क्या है, उचित क्या है, बाध्यता क्या है, उत्तरदायित्व तो क्या है, मानक क्या होते हैं, मूल्य क्या है, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं, इन की कॉन्सेप्ट को समझा जाए। दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य। तीसरा, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे इंपॉर्टेंट एरिया है नैतिकता और राजनीति, नैतिकता और कानून, नैतिकता और पर्यावरण, नैतिकता और समाज, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नैतिकता और व्यवसाय, नैतिकता और पेशा, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और ये 8 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, आगे मैं एक क्लास के संदर्भ में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे 8 एरियाज से यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रही है, और सवाल केवल सवालों की भाषा बदल रही है, सवालों का जो कॉन्टिनम है, सवालों का जो एरिया है वो एक ही है, और वो लगातार 2013 से बना हुआ है। दरअसल एप्टीट्यूड के पेपर में आपके विचार को, आपके दृष्टिकोण को, आपकी सोच को, आपकी समझ को, आप क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे, इसको जांचा जाता है, और इसलिए सवालों की भाषा बदलेगी लेकिन मुद्दे वही रहेंगे कि नैतिकता और कानून में टकराव होगा। कुछ चीजें नैतिक रूप से सही हैं लेकिन कानूनी रूप से गलत हैं, तो आप क्या करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि नमक कानून जो है वो नैतिक, नमक कानून जो है वो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी नैतिकता इस बात के लिए गवारा नहीं करती है। तो कह रहे थे कि कानून अगर ठीक ना लगे तो उसका पालन न किया जाए। एडवर्ड स्नोडन भी वही बात कह रहा था। तो हम दरअसल क्या ये देख पा रहे हैं कि ये मोरलिटी और लॉ का वही कॉन्टिनम है जो कॉन्टिनम घूम फिर कर पूछा जा रहा है। और अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारे लिए स्नोडन इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, हमारे लिए गांधी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बल्कि वो इश्यूज इंपॉर्टेंट होंगे जो इनके माध्यम से उठाए जा रहे हैं। इसलिए एथिक्स के प्रिपरेशन में 9 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात यह कि आप पाठ्यक्रम की कुंजी को पहचाने। दूसरी बात यहां पर यह कि आप जितने प्रमुख एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, उनको पहचान लें। तीसरी बात यह है कि आप टॉपिक्स को पहचाने। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो कौन सा टॉपिक है जिसे मुझे हर हाल में दोहराना चाहिए। चौथी बात यह कि मेरे पास कुछ थ्योरीज की अप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हो। पांचवी बात यह कि मुझे कुछ विचारकों, दार्शनिकों के शिक्षाओं का, के सिद्धांतों का सबक क्या है, लेसन क्या है, ये पता हो। मेरे पास कुछ लीगल अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे पता हो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में पब्लिक ड्यूटी क्या है। मुझे पता हो कि आरटीआई में पब्लिक इंटरेस्ट कहां कहां बताया गया है। मुझे पता हो कि आरटीआई में पब्लिक अथॉरिटी क्या है, क्योंकि एथिक्स में घूम फिर कर ये जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है, इससे जुड़े हुए सवाल आप जो या तो केस स्टडी में पूछे जा रहे हैं या प्रश्नों में पूछे जा रहे हैं। फिर क्या मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं किसी कॉन्सेप्ट से केस की तरफ चला जा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या किसी एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद, केस को पढ़ने के बाद, मैं उसमें जो कॉन्सेप्ट का इशू उठ रहा है, जो उसमें इथिकल इश्यूज अराइज हो रहे हैं, क्या मैं उसको पकड़ पा रहा हूं। तो यहां पर मैं इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे कि अवधारणा से मामले की तरफ और मामले से अवधारणा की तरफ आने की योग्यता का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। निर्णय लेने की मेरी ताकत, क्योंकि मुझे ज्यादातर प्रश्नों में बताना होगा कि मैं क्या कार्रवाई करूंगा, क्या आप सुझाएंगे, आप क्या करेंगे, आप अधिकारी बना दिए गए, आप मुख्य सचिव बना दिए गए, आप सरपंच बन गए, आप क्या करेंगे,
आप जो करेंगे उसका रीजन क्या है, आप उस रीजन को बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसी गलतियां हैं, कॉमन एरर है, जो कॉमन एरर विद्यार्थी कई बार खुद कर रहे हैं और कई बार कुछ महान शिक्षकों की वजह से कर रहे हैं, जो उनको कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं जो कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह से गलत हैं। तो अब यहां पर ये अगर हम लोग देखें तो नौ चीज, जैसे मैंने कही कि नौ चीज की आवश्यकता है। पहला, पाठ्यक्रम की कुंजी को पहचानिए, प्रमुख क्षेत्रों को पहचानिए, सर्वाधिक प्रमुख टॉपिक को पहचानिए, नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों की एक अप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हो, इसके साथ ही कुछ विचारकों, दार्शनिकों और नेताओं के सिद्धांतों के सबक आपको पता हो, इसके अलावा केस से कॉन्स या कानून की समझ आपको हो, कुछ कानून इंपॉर्टेंट है जिनकी समझ होनी चाहिए, आप अवधारणा से मामले की तरफ जा सकें और मामले से अवधारणा की तरफ जा सकें, आप केस स्टडी से कॉन्सेप्ट निकाल लें और कॉन्सेप्ट से केस स्टडी की तरफ जा सकें, आप में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी हो और कुछ गलतियों से आप बच सकें। कुछ गलतियों से बचने का यहां पर मतलब यह है कि इस पेपर की जो डिमांड है वो आपके नॉलेज को चेक करने से कहीं ज्यादा आपके एप्टीट्यूड को चेक करना है। आप क्या करेंगे, आप अभी भी इस चुनौती में जूझ रहे हैं कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, ये पेपर कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये बताओ। अब यहां पर जो ये डिफरेंस है, मेरे दिमाग में तो ये चैलेंज चल रहा है कि मुझे तो उपयोगितावाद नाम का जो सिद्धांत मिल और बेंथम ने दिया था वो मुझे पता ही नहीं है, तो मेरे दिमाग में तो एक कॉग्निटिव जो कॉग्निटिव एब्सेंस की समस्या चल रही है। और यहां पूछा जा रहा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुख को स्थापित करने के लिए प्रशासन में जाकर क्या करोगे। तो यहां जो वास्तव में जो हमारा हमारे भीतर जो चैलेंज चल रहा है, वो चैलेंज या जिस डिफिकल्टी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो डिफिकल्टी वो चैलेंज दरअसल एप्टीट्यूड का होता ही नहीं। इस तरह की गलती से भी हम बचें, तो ये इस प्रिपरेशन का वास्तव में पहला भाग है। आगे के एक भाग में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि मैंने कौन से ऐसे 24-25 मुद्दे कॉन्सेप्ट्स, कौन से ऐसे 8 एरियाज हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, कौन से ऐसे 7 मूल्य हैं जिन पर घूम फिर कर सवाल पूछे जा रहे हैं, और कौन से ऐसी 5 थ्योरीज हैं जिनकी समझ होनी चाहिए, कौन से ऐसे 1 दर्जन के आसपास थिंकर्स हैं जिनसे घूम फिर कर सवाल पूछे जा रहे हैं, 4-5 ऐसे कौन से कानून हैं जिन कानूनों की समझ आपको होनी चाहिए, किस तरह से आप कॉन्सेप्ट से केस की तरफ जाएंगे, आप अपने डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज को कैसे ठीक करेंगे, और इसके अलावा कुछ गलतियों से आप कैसे बचेंगे, ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से करने की या अच्छे तरीके से समझने की एक योग्यता, एक क्षमता विकसित करनी चाहिए।